कंगना रनौत चूतिया है। मुझे नहीं लगता उसे सही बोला, क्योंकि आज़ादी तो 47 से मिली थी, जब इतने सारे महान लोग जो थे इन्होंने इतना काम किया था, तब जाके आज़ाद हुआ देश। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उसे एक सम्मान किया गया तो पॉजिटिव वे में किया गया है। क्या तो योगदान किया, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि 2014 के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई NGO चलाया हो, किसी को गरीबों को दान किया हो, आज तक क्या किया बताइए। कंगना रनौत का एक बयान आता है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली, तो हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? उनको क्या मालूम भाई कुछ मतलब क्या ये सच हकीकत है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली या पहले मिली? नहीं मालूम। रुको जरा, सबर करो। आज़ादी कब मिली देश को, कब आज़ादी हुई? 1947। तो 1947 से 2014 में कहा जाए कि 2014 में उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कह रहा है, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ। जिन्होंने कहा वो बिजली बहुत बड़े आदमी है। आवाज में बात है। अच्छा, देश को आज़ादी कब मिली ये तो बता सकते हैं ना? ये भी नहीं बताया। सुर भी ठीक है। 47 मिली है, ओरिजिनल तो 47 मिली है भाई। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमें बता दे, हम चैलेंज कर रही है वो। क्या चैलेंज कर रहे हैं? कि जो मैंने बात कही वो सब है। किसने? कंगना रनौत ने। उसका मतलब नहीं, कंगना रनौत से कोई मैटर है? नो कमेंट। जज बात कहाँ है भाई, हम कमेंट नहीं करेंगे इस पे। आप भी जानते, मैं भी जानता, 1947 में मिली है। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूँ प्रफुल्ल। मैं दिल्ली के सेंटर में यानी कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, और आज का मौजू है कंगना रनौत। उन्होंने कहा कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, यानी 75 साल हो गए देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी 2014 में मिली है। तो हम इस पर जानने आ गए कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, क्या वाकई में 2014 में आज़ादी मिली है। उन्होंने एक और चैलेंज भी किया कि कोई इस बात को साबित कर दे, मैं पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी। 1857 के बाद में कोई क्रांति के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो यही सब जानने हम यहाँ पहुँचे हैं। कंगना रनौत का एक बयान है कि 2014 में आज़ादी मिली है, क्या कहेंगे? सॉरी सर, आई नो कमेंट सर। तो खैर, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। सर, कंगना रनौत का एक बयान आता है कि 2014 में देश की आज़ादी। नो सर, नो। खैर, यहाँ पे पता ना कि लोग बोलना क्यों नहीं चाहते हैं, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। 2014 में देश को आज़ादी मिली, क्या कुछ कमेंट? ये कनॉट प्लेस के हालात हैं, जहाँ पे बोलना लोग नहीं चाहते हैं, कि क्योंकि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और देश की इतनी बड़ी स्वतंत्रता आंदोलन को एक झटके में नकार दिया जाता है, लेकिन हमारी चू तक आवाज़ नहीं निकल पा रही है, हम उस पर बोलना नहीं चाहते हैं। और ये हम कनॉट प्लेस में हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैमरा देखते लोग साइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये देखिए, 2014 के बाद से तस्वीरें बदल गई है, और लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अब बोलने में क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं बार बार। अगर जी एक कुछ ये रहा हम, लेकिन हम बहुत और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारा आदत ही है लोगों को इंटरप्ट करना, पूछना, सवाल जवाब करना। खैर, दो लोग और यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, कंगना रनौत का बयान आता है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 2014 में ये देश आज़ाद हुआ या फिर उससे पहले? नो कमेंट, थैंक यू सो मच। चल, इनका भी कहना है कि नो कमेंट उस बयान पे। और ये लोग, ये भारत के हम वो नागरिक हैं जिन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि देश को आज़ाद कब किया गया, देश को आज़ादी कब मिली, लेकिन हम बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे पास या तो नॉलेज ना हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये सोच रहे होंगे कि हम बोलेंगे तो हम उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, हम पे FIR हो सकते हैं, देशद्रोही का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। फिर एक और कंगना रनौत का बयान आता है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे नहीं लगता उसे सही बोला, क्योंकि आज़ादी तो 47 से मिली थी, जब इतने सारे महान लोग जो थे इन्होंने इतना काम किया था, तब जाके आज़ाद हुआ देश। तो उनका बयान गलत है मेरे हिसाब से। 2014 में आप ये कह सकते हो कि काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, बट आज़ादी तो 47 में मिली, और वो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एकदम सही हैं, और कोई चैलेंज किया है कि कोई साबित कर दे कि 2014 में आज़ादी ना मिली हो तो मैं पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूँगी। तो ऐसा सीन है कि मुझे ये लगता है कि अगर कोई ऐसा बयान दे कि जो अपने देश के जो फीलिंग है, जो अपनी हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके अगर खिलाफ हो, तो उन्हें इस टाइप के पुरस्कार स्वीकार ही नहीं करने चाहिए पहली बार में, क्योंकि पद्मश्री जो उनको अवार्ड मिला 2014 में थोड़ी बना है।
उसके पहले बना है ना। थैंक यू बात करने के लिए। और भी पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे भी काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। एक शख्स ने तो बात किया कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित था, उन्होंने चैलेंज किया कि 1857 के बाद से कोई युद्ध ही नहीं हुआ है, कोई लड़ाई ही नहीं हुई है। अगर कोई ये मुझे चैलेंज करके बता दे कि 1857 के बाद कोई लड़ाई हुई, तो मैं वो सम्मान वापस कर दूँगी। खैर, थोड़ा डिस्टर्ब ही करूँगा आप लोगों को, ये कहूँगा। कंगना रनौत का बयान आता है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, क्या कंगना रनौत चूतिया है, सिंपल सी बात यही है, वो उसको बस फेम से ही होता है, बस और कुछ नहीं। तो फिर आप लोग जब इतना जानते हैं तो फिर भाग क्यों रहे हैं? नहीं भैया, थैंक यू, हम कमेंट नहीं करते। थैंक यू, कमेंट नहीं करते। खैर, और भी लोग हैं जिससे हम कनॉट प्लेस का इलाका एरिया है, और कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं, जहाँ पे ये दिल्ली का हार्ट कहा जाता है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, और दिल्ली के दिल में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंगना रनौत भी कितने दिलों में बसी होंगी, कितने लोगों को इनके फैन होंगे। और भी यहाँ पे पीछे नहीं, हम कुछ ऐसे पूछ नहीं रहे हैं, हम कोई प्रैंक वीडियो वाले नहीं है। कंगना रनौत का एक वीडियो नहीं, तो ये कंगना रनौत पे ही हमारा आज का मौजू है, टॉपिक है, हमारा काम ही है पूछना। एक और दिख रहे हैं भाई साहब, उनसे भी कोशिश करूँगा बात करने की, बात करते हैं। नहीं, कंगना रनौत का एक बयान आता है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, तो हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हमको क्या मालूम भाई, कुछ मतलब क्या ये सच हकीकत है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, पहले नहीं मालूम? नहीं मालूम, इनका जवाब है नहीं मालूम। खैर, और भी लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, बात करूँगा कि क्या 2014 में देश को आज़ादी मिली, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हूँ कि आप तमाम लोग हैं। जो कंगना रनौत का एक बयान आता है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, उससे पहले आम गुलाम जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों अच्छा, आज़ादी कब मिली देश को, कब आज़ाद हुई? 1947। तो 1947 से 2014 में कहा जाए कि 2014 में? अरे भैया, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कह रहा है, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ। जिन्होंने कहा वो बिजली बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है। हम इतने बड़े आदमी, इनका कहना है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा वो बहुत बड़े आदमी हैं। खैर, बहुत बड़े आदमी के बारे में बहुत छोटे छोटे आदमियों से मैं पूछ रहा हूं। कंगना का जो बयान है 2014 में देश को आज़ादी मिली, यानी आपने इशारा कि फिर ऐसे हाथ कुछ नहीं है क्यों? अच्छा, दो देश को आज़ादी कब मिली ये तो बता सकते हैं ना, ये भी नहीं बता? नहीं, आप बताएंगे? अरे 1947 मिली थी यार, कब मिली थी? अगर 2014 में मिली है? हाँ, 2014 मिली। ठीक है यार, 2014 में मिली है, ठीक है भाई। 47 मिली है, ओरिजिनल तो 47 मिली है भाई। तो उन्होंने कहा कि कोई हमें बता दे, हम चैलेंज कर रही हैं। वो क्या चैलेंज कर रहे हैं कि जो मैंने बात कही वो सत्य है? किसने? कंगना रनौत ने। उसका मतलब नहीं, कंगना रनौत से कोई मैटर नहीं, नो कमेंट्स। वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित की गई व्यक्ति है। खैर, और भी भैया, 2014 में देश को आज़ादी मिली या 1947 में? नहीं मतलब प्रैंक करना है, क्या करना है? नहीं, प्रैंक नहीं, प्रैंक नहीं है, हम लोग प्रैंक वाले नहीं है, न्यूज़। अच्छा, वाले हैं। अच्छा, 1947 कंगना रनौत किस पे बोल रहे हो क्या? हाँ, कंगना रनौत ही भाई, हम कमेंट नहीं करेंगे इस पे, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, 1947 में मिली है। लेकिन फिर जब एक आप बोले कि 1947 में मिली, लेकिन वो बोले कि कोई चैलेंज है उनका कि कोई साबित कर दे कि मैं गलत हूँ, तो मैं पद्मश्री अवार्ड वापस कर लूँगा। तो भाई मुझे चैलेंज तो दिया नहीं उन्होंने, अब जिसको दिया है उससे पूछो आप। तो पब्लिकली दे रही है ना, है कि नहीं यार? हाँ भाई, पब्लिक को तो उसने चैलेंज दिया नहीं है, जिसको दिया उससे पूछो आप। हमने आपने पूछा, ये सही है गलत है बोल रहे भाई? हम कमेंट क्यों कर रहे हैं? हमने आपको, आपने हमसे पूछा 1947, हमने बता दिया आपको 1947। आपको नहीं लगता कि देश के जो इतने लोग शहीद हुए उनके साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ भी है? यार देखो, ऐसा है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है? इंडिया की अगर बात करो आप, तो राह चलता आदमी कभी कोई स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर तो कोई कमेंट करेगा नहीं, क्योंकि आज जो भी आप घूम रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, कमा रहे हो, उनकी वजह से कर रहे हो, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं कोई टिप्पणी करूँगा, बस मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि उनके लिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, और यही मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू। आप लोग खड़े थे तो मुझे लगा बात करेंगे क्या? नहीं, तो हम इसीलिए मैं मूव किया आपके तरफ, उनकी तरफ से। देखिए, उन्होंने कहा कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है और पद्म सम्मानित से सम्मानित किया गया,
और तब ये बयान देती है भाई साहब, वो कह रहे हैं कि मैं 2014 इन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिया, उससे पहले आजादी, शी इज थिंकिंग ऑफ द, वो हो सकता है अपनी थिंग्स में सही हो बट एज द हिस्ट्री ऑफ द 1947 इज अ करेक्ट, मतलब सही हो, जैसे मैम पहली क्लास से मैं बताती हूँ, वो अपने माइंड ऑफ व्यू से देख रही है ना, उसे ऐसा, वो ऐसा देख रही है देश को जो अभी चल रहा है देश, ठीक है, जो इस समय पे प्रेजेंट टाइम पे जो चीज़ें चल रही है ना, वो उसके भी हाफ ऑफ माइंड पे देख रही है। जैसे कि मैं अभी ओपनली क्या बोलूँ, हाँ हो सकता है डिपेंड्स ऑन अवर पीएम के वर्क्स पे, बिकॉज 2014 के बाद ही तो हमारे पीएम आए ना, एंट्री तो उन्होंने तभी की है ना, तो उसके बाद कितने सारे उससे पहले भी पीएम रह चुके, मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वर्किंग ऑफवेज बोला जा रहा है, वर्किंग ऑफवेज, और मोदी के वर्किंग में और उनकी वर्किंग में बहुत डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है थोड़ा बताएंगे? डिफरेंस नहीं, मैं टोटली ऑफ द पॉइंट, मैंने जो आपने बोला ना कि उसने ये चीज़ बोली है आज़ादी की बात, तो मुझे तो जितना अभी हम लोग ने पढ़ा है वो 1947 के हिसाब से ही मुझे पता है। चीज़ ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि डिफरेंसेज पीएम के वर्क डिफरेंस से और फ्रीडम के से क्या कोरिलेट करना है? एज ऑफ थिंग ऑफ माइंड कि हम काफ़ी आगे आ गए हैं पहले से, लोग इसको बहुत ज़्यादा उससे देख रहे हैं ना कि बहुत महंगाई बढ़ गई है ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं है, कहीं हमारी महंगाई बढ़ी है तो कहीं पीएम ने उसको हमारा कर्ज भी तो उतारे हैं ना, हम कितने कर्जे में थे यार, ये भी तो सोचो ना, हर चीज़ सोचनी पड़ती है, और जो आज का जनरेशन है ना वो अपना पढ़ाई लिखाई वाला है तो वो हर चीज़ सोच के चलता है कि नहीं हमें वो भी देखना है, हमें आगे अपना फ्यूचर देखना है, तो स्टेट ऑफ माइंड वो अपनी जगह शायद ये सही करी कि 2014 में ही आज़ादी मिली है अगर उसने ये चीज़ बोली है तो, एट द डेवलप माइंड। ओके थैंक यू, आपसे भी बात कर लें, 2014 में देश को आज़ादी मिली या 1947 में आज़ादी मिली? 1947 में आज़ादी क्या मिली, ये तो उसके ऊपर है ना, गवर्नमेंट कौन सी है इस टाइम, आज़ादी मिल भी गई लेकिन आज भी आम पब्लिक परेशान है, मिडिल क्लास जो फैमिली लोग हैं वो परेशान है आज के टाइम में। कंगना रनौत का कहना है कि हम 1947 में आज़ाद नहीं हुए, कंगना रनौत के कहने से अगर देश चलने लगा तो फिर तो सेलिब्रिटी की सुन लो या फिर गवर्नमेंट की सुन लो, लेकिन पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है ना ऐसे इंसान को कि जो एक हस्ती है, तभी तो सम्मान दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो। देखिए अगर उन्हें सम्मानित किया गया है तो कुछ हो सकता है उसकी कुछ पॉजिटिव देखी गई हो कुछ बात, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उसे एक सम्मान किया गया है तो पॉजिटिव वे में किया गया है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बस यही है। थैंक यू बात करने के लिए। खैर यहाँ पे मिली जुली कमेंट आ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो और कुछ लोगों का कहना है कि वो गलत है, क्योंकि सबको पता है कि देश हमारा 1947 में ही आज़ाद हुआ है, 2014 में नहीं, 2014 के बाद में हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदली हो, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, उनका बयान ये है और उन्होंने चुनौती भी दिया है कि कोई मुझे साबित कर दे कि मैं गलत हूँ तो मैं वो पद्मश्री सम्मान वापस कर दूँगी। आप मुझे ये बताइए कि वो सही कहाँ से है, आप बताओ कि क्या सही बोला, हमें आज़ादी कब मिली थी आपको नहीं पता यार, हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, बचपन से है ना, हमें नहीं पता कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं और हमें आज़ादी कब मिली थी, आपको भी पता होगा ना, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स तो हो ही रहा है क्योंकि हाँ, तो पॉलिटिकल बयान है, सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये कि जो ये चीज़ पूछ रहे हैं, जहाँ भी हम खड़े हैं यहाँ कैसा किताब कहाँ है, उसका जवाब उनसे मांगा, ये 14 की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, चले गए, कुछ बोल वो नहीं बोलेंगे ना, हमें पता है गुरुजी नहीं बोलेंगे, हमारे उनका हिसाब किताब अलग है, नहीं बोलेंगे वो, बट यार दोस्त आप लोग भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं सभी, आप किसी से पूछ लो क्या अच्छा किया है और उसको पद्मश्री अवार्ड मिला यार, काम के अकॉर्डिंग मिला है ना, हीरोइन एज ए हीरोइन आएगी लेकिन उसको यार उनको वो, लेकिन उससे भी तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे एज ए एक्ट्रेस नहीं मिला है बल्कि मेरे कुछ और योगदान के लिए मिला है। कौन सा योगदान उन्होंने देश के लिए, क्या दो योगदान किया, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि 2014 के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एनजीओ में से बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन वो किया है, उन्होंने कोई एनजीओ चलाया हो, किसी को गरीबों को दान किया हो, आज तक क्या किया बताइए, राजनीति है राजनीति और कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी के फंडे हैं है बस और कोई बात कुछ नहीं है। उसको सत्ता में घुसना है तो वो ऐसी बातें कर दो कि आदमी को लगे कि हाँ मेरे से बड़ा दूसरा कोई चीज़ दिया नहीं है ना, मैं ऐसी बातें बोल दो कि कोई जानता है इस चीज़ को, तो वो अच्छी चल रही है गेट में हमारी 2014 के बाद से, हमारा इतिहास क्या है वो सब जानते हैं। थैंक यू बात करने के लिए हमसे। तो ये कमेंट वहीं आ रहा है कि सबको पता है 1947 में ही हम आज़ाद हुए हैं और 2014 में नहीं, हो सकता है 2014 के बाद कुछ चीज़ें बदली हो, सामाजिक या सोशल चेंजेज आए हो, अलग चीज़ें, लेकिन आप उसको को रिलेट करके ये कहें कि स्वतंत्रता हमें 2014 में मिली है तो ये शायद कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि आप तमाम इतिहासकारों को झूठा कर देंगे, तमाम आप
जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उनको आप झूठा साबित कर दे रही हैं, तो ये गलत है।